नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक डिजीज़ ली है जिसको बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर माना गया है और इसका नाम है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया को रूटीन के अंदर सुडो सीजर या कन्वल्जिव डिसऑर्डर भी कह देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्टीरिया के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसी के साथ में मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं या कैसे क्लिनिक पर आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये जरूर एडवाइस करूंगा कि अगर आप हेल्थ और होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं या आपके पर्सनल क्वेश्चंस को इन्हें पूछे हुए उनके आंसर दूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वापस हम बात करते हैं हिस्टीरिया के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हिस्टीरिया बेसिकली एक डिजीज नहीं होकर मेंटल डिसऑर्डर है। दोस्तों, मेंटल डिसऑर्डर कैसे? मेंटल डिसऑर्डर यानी कि वो लोग जिनके अंदर बेसिकली जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो लोग इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर कम करते हैं, अपनी बातों को खुद के पास ज़्यादा रखते हैं, खुद ही अपने दिमाग या दिल के अंदर कई चीज़ें उनके चलती रहती है लेकिन दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, उनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, फिर इनके साथ क्या होता है कि इनके माइंड में स्ट्रेस आती है, तनाव आएगा, एंजाइटी आएगा और कई तरह की इनके मन में, दिल और दिमाग में दबी हुई इच्छाएं रहेगी, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, बॉडी उसको कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, वो हिस्टीरिया के रूप में उसको रिफ्लेक्ट करने लगती है। ये मैंने आपको शॉर्ट में शुरू में समझाया। अब हम ये ऐसे केसेस किस में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मेल्स में या फीमेल्स में? तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, आप इसी से समझ सकते हैं कि जो ओवरऑल सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंगली ऐसे केसेस फीमेल्स यानी कि महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फीमेल्स में भी किस में? जो यंग गर्ल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अनमेरिड गर्ल्स में हिस्टीरिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और उसके बाद के अंदर जो है मेरिड लेडीज़ के अंदर, यंग मेरिड लेडीज़ में देखने को मिलता है बट कम देखने को मिलता है। विडो लेडीज़ के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ की बीमारी है। अगर इस तरह के मानसिक सिम्टम्स हैं या इस तरह की मानसिक रूप से परेशानी या सोच विचार से कोई मेल यानी अगर पुरुष भी है, वो भी अगर इन चीज़ों से गुजर रहे हैं तो उनको भी हिस्टीरिया का अटैक आ सकता है। लेकिन बेसिकली इसको फीमेल डिजीज़ माना गया कारण कि इसके जो पेशेंट होते हैं वो फीमेल्स बहुत ज़्यादा है और मेल्स का रेशियो कम है, इसलिए बेसिकली इसको एक फीमेल डिजीज़ या डिसऑर्डर हम मानते हैं। अब हम बात करें कोज, क्या कारण होते हैं कि जो है फीमेल्स के अंदर हिस्टीरिया डेवलप हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसके कारण का मैंने बताया मेंटल डिसऑर्डर, और इस मेंटल डिसऑर्डर के बहुत से अलग अलग कारण होंगे। हर पेशेंट के अंदर कुछ अलग कारण देखने को मिलेगा, कोई एक सिंगल कारण नहीं है जिसके कारण बोलेंगे ये एक कारण है और सब पे लागू होता है, ऐसा नहीं। तो मैं आपके साथ बहुत से रीज़न शेयर करने वाला हूँ, उनमें से हर पेशेंट की लाइफ में कुछ अलग रीज़न हो सकता है। सबसे पहला, जो पेशेंट है उसको एक अट्रैक्शन और अटेंशन चाहिए होता है। अब ये अट्रैक्शन और अटेंशन क्या होता है कि उसके अंदर कि वो लोग जो कि अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, आसपास में, परिवार में, जो अपने परिवार से कहीं ना कहीं मतलब उस अटैचमेंट को, अट्रैक्शन को, फीलिंग्स को मिस कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि मेरे परिवार वाले मुझे जो है प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं दे रहे, मुझे पूरा प्यार नहीं करते, है कि नहीं, मेरा केयर नहीं करते, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। तो जिन बच्चों के दिमाग के अंदर, ये यंग बॉयज गर्ल्स कोई भी हो सकते हैं, तो जिन लोगों को दिमाग के अंदर इस तरह की फीलिंग आने लगती है उसके अंदर जो है ये हिस्टीरिया के केसेस देखने को मिलते हैं। और इसका फिर ये कारण ये भी होता है कि हिस्टीरिया में आप देखोगे कि हिस्टीरिया का पेशेंट हमेशा जब कुछ लोगों के साथ बैठा होगा तो लोगों की प्रेजेंस में उसको अटैक आएगा। जैसे एपिलेप्सी या मिर्गी हम बोलते थे, उसके अंदर जो है उसको अटैक कभी भी आ सकता है। मान लीजिए वो कोई भी काम कर रहा है, अकेला बैठा है, बाथरूम में बैठा है, तो उसको अटैक आ सकता है। किचन में काम करते हुए अटैक आ सकता है, कभी बाहर अपना कोई काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, अटैक आ सकता है, स्विमिंग पूल में अटैक आ सकता है। हिस्टीरिया के पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता, वो यूजुअली जब कोई सेफ कंडीशन में बैठा होगा जहां उसको हार्म नहीं हो, मतलब ऐसी जगह बैठा होगा, उसकी उस टाइम ही अटैक आएगा और लोगों की प्रेजेंस में आएगा। बिकॉज इसका सबसे बड़ा कारण जो है वांट ऑफ अटेंशन एंड अट्रैक्शन, फैमिली मेंबर से, सोसाइटी से, अपने आसपास के लोगों से कहीं ना कहीं ये चीज मिसिंग होती है। और बताया कि इसका दोस्तों दूसरा कारण जो होता, मैंने बताया इंट्रोवर्ट, वो लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट यानी दूसरों के साथ अपनी जो है फीलिंग शेयर नहीं कर रहे, तो उसके कारण उनके जो दबे हुए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसके कारण उनको अटैक आता है। लेकिन देखिए, इसका कारण ये नहीं है कि मैंने या रूटीन में भी जो है बहुत से पेशेंट भी ऐसे आते हैं जिनको हम देखते हैं, बातचीत करते हैं, पर्सनल डिस्कशन बहुत जरूरी होता है, तो जब फैमिली मेंबर से बात करते हैं, नहीं साहब ये बच्ची जो है रूटीन में, क्योंकि फीमेल्स में ज़्यादा, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादा निकलेंगे मेरे मुँह से, कि साहब बच्ची के बारे
बारे में जब हम पूछते हैं कि साहब बच्चे की कैसी हैबिट है परिवार की, साहब खूब खेलती है, कूदती है, अच्छा करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी बातें घर वालों के साथ शेयर कर रही। हो सकता है उसके दिल दिमाग में कोई ऐसी चीज हो जो घर वालों से या किसी से बिल्कुल शेयर नहीं करती और वो चीज उसको अंदर ही अंदर परेशान करती है, दिमाग में एक हिडन स्ट्रेस लिए हुए घूमती है और उसको हिस्टीरिया का कारण बन जाता है। दोस्तों अब हम बात करें कि ये जो चीजें होती है इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेस और मानसिक मैंने बताया, और हर आदमी की पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ में अलग अलग रीजन है, और सबकी फैमिली लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि किसी भी तरह का स्ट्रेस लेके वो घूमे, और ये अगर दूसरों के साथ फैमिली मेंबर्स वगैरह के साथ शेयर नहीं कर रहे तो उसके कारण आएगा। सेकंडली वांट ऑफ लव फ्रॉम फैमिली मेंबर्स और लवर, मतलब कि हो सकता है जैसा मैंने शुरू में भी बताया, कोज बता रहा हूं कि उसको अपने परिवार से कहीं उस, कई बार क्या होता है कि कुछ फैमिली एटमॉस्फेयर भी ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चों को उनके परिवार से प्रॉपर प्यार नहीं मिल पाता, जो केयर अटेंशन उस एज में चाहिए फैमिली मेंबर्स नहीं दे पाते, उसके अब कई कारण हैं, उन पर हम नहीं जाएंगे। और कई बार ये होता है कि उस एज ग्रुप के अंदर या यंग एज के अंदर किसी को जो है अपने लवर की तरफ, अपोजिट पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन हो गया, और वहाँ से अगर प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या उस तरफ में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, माइंड उस साइड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया, उन सारी चीज़ों के कारण भी आपको हिस्टीरिया का अटैक आ सकता है। दोस्तों सेकेंडली मैंने बताया यंग एज ग्रुप के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स की ये डिजीज़ है उसके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसके अंदर अक्सर ये भी होता है कि वो लोग जिनको थोड़ा सेक्सुअल थॉट्स वगैरह हर टाइम दिमाग में ज़्यादा आते हैं और उस बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, या आप कह सकते हो कि सप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर यानी दबी हुई जो इच्छाएँ होती है उसके कारण भी इस तरह का फिर बॉडी उसको रिफ्लेक्शन देके हिस्टीरिया में कन्वर्ट करने लगती है। और उसके साथ में बहुत से केसेस के अंदर फैमिली हिस्ट्री भी देखी गई है, यानी वो लोग जिनकी फैमिली के अंदर मान लीजिए उनकी मदर को या उनकी बड़ी सिस्टर्स वगैरह को अगर हिस्टीरिया की हिस्ट्री रही है तो उसके कारण भी हो सकता है। दोस्तों अब हमने देखा कि जो हमारे माइंड के अंदर बेसिकली जो स्ट्रेस थी, एंजाइटी थी, हिडन जो स्ट्रेस एंजाइटी और जो दबी हुई इच्छाएं दिल और दिमाग के अंदर, इन सारी चीजों को हमारा माइंड क्या करता है, इस तनाव को बाहर कैसे निकाले, ये जो स्ट्रेस इतना पाल लिया इससे इस माइंड की और बॉडी को इस स्ट्रेस को रिलीज कैसे करें, इस स्ट्रेस को माइंड रिलीज करता है बॉडी के थ्रू फिजिकल सिम्टम्स देके, और उसी का नाम है हिस्टीरिया। यानी ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बेसिकली मैंने बताया मेंटल डिसऑर्डर है, आपका माइंड उस एंजाइटी स्ट्रेस तनाव जो माइंड में भर गया था उसको अपने आप को रिलीज करने के लिए जो है बॉडी के अंदर इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण लाता है जिसको हम हिस्टीरिया कहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ पर गुस्सा इरिटेट हुए हो तो अल्टीमेटली आप शाउट करने लगते हो, चिल्लाने लगते हो सकता है, और इस तरह से आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हो, कुछ लोग रोके अपने आप को रिलैक्स कर लेते, इसी तरह से हिस्टीरिया है कि आपका मेंटल जो आपको सिम्टम्स थे, लक्षण थे, जो परेशानियां थी उसको आपकी बॉडी ने उस स्ट्रेस को रिलीज किया है हिस्टीरिया के सिम्टम्स देखे। दोस्तों अब हम बात करें इसके सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देखिए जैसा कारण बताया कि इसके कारण अलग अलग होते हैं हर आदमी के लिए, उसी तरह से इसके सिम्टम्स भी सबके लिए अलग अलग होंगे। इसके सिम्टम्स के अंदर जो है माइल्ड सिम्टम्स भी होंगे और कई लोगों में बहुत सीवियर इंटेंस सिम्टम भी देखने को मिलेंगे, जहां ये डाउट होने लगता है कि ये एपिलेप्सी तो नहीं है, मिर्गी के दौरे तो नहीं, इस लेवल में भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को रूटीन में क्या होता है कि जब हिस्टीरिया का अटैक आने वाला होता है तो उसको एक जो है ओरा आ जाता है, मतलब उसको एक फीलिंग आ जाती है कि उसके सिम्टम्स होने वाले हैं, और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है वो ये होता है ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में दिक्कत। सांस लेने में दिक्कत में जो पेशेंट का सबसे बड़ा सिम्टम आएगा उसको लगेगा कि उसके गोला सा उठ रहा है। इवन जो पेशेंट क्लिनिक में भी आएगा वो भी ये बोलता है कि साहब यहाँ से चेस्ट में यहाँ से गोला सा उठता है और ऐसे ऊपर से लगता है घुटन हो रही है, सांस रुक गया है, सांस बिल्कुल दब ही गया है, आ ही नहीं रहा है, उस गोले ने इसको पूरा जो है मेरी सांस नली को रोक दिया। ये इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है इस तरह की ब्रीथलेसनेस। इसके साथ में कई लोगों को हिचकी भी आ सकती है बॉडी के अंदर, थोड़ा जो है आप कहते हो जो अकड़न जकड़न स्टिफनेस जो कहते हैं रिजिडिटी वो अपने को देखने को मिल सकती है। कुछ फीमेल्स को ये भी हो सकता है कि जिनको यूट्रस से रिलेटेड हो, महावारी मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, पीरियड्स प्रॉपरली खुल के नहीं आती हो, उन फीमेल्स के अंदर जब उनके मेंसेस का टाइम पीरियड होता है उस टाइम के अंदर ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर उनकी बॉडी के अंदर अचानक वो सिम्टम्स आएंगे, मतलब उनका जो व्यवहार है अचानक चेंज देखने को मिल सकता है, जैसे अचानक हंसने लग जाएंगे या अचानक रोने लग जाएंगे या कोई तरह की नॉनसेंस टॉक मतलब बेसलेस बात करने लग जाएंगे जिसका कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता, इस तरह का। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि लाइट और साउंड से भी सेंसिटिव होते हैं। दोस्तों इन्हीं सिम्टम्स के अंदर पेशेंट कई बार थोड़ा सा बेहोशा हो जाएगा, मतलब घर वाले एकदम डर जाएंगे कि इसको क्या हो गया, उसको घुटन से होगी, बोलेगा मेरा सांस रुक गया और एकदम ऐसा बेहोशा अनकॉन्सियस कंडीशन में चला जाएगा। और जब इंटेंसिटी इन सिम्टम्स की अगर ज़्यादा होती है तो उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है रिजिडिटी, ट्रेमर्स, जर्किंग एंड अनकॉन्सियसनेस, इन सारी चीज़ों के जो सिम्टम्स हैं, मतलब शरीर बिल्कुल अकड़ जाएगा, उसमें कंपन सा होना लगेगा, एकदम बॉडी उसकी टाइट हो जाएगी, हो सकता है सिर को घुमा ले, चेहरे को घुमा ले, एकदम फिट्स जो मुठियाँ हैं बिल्कुल
अपनी जोर से बंद कर लो और एकदम अनकॉन्शियस बेहोशा हो गया। ये सारा इस चीजों के अंदर होता है और उस टाइम कई बार घर वालों को भी ये जो है डाउट होने लगता है कि एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा तो नहीं हो गया, लेकिन बेसिकली ये वो सब नहीं होके और हिस्टीरिया होता है। अब इसका कैसे पता चलता है, जब ऐसी चीजें बार बार होता है इस एज ग्रुप में होता है तो नेचुरली आप अपने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करते हो, उनके पास जाते हो, वो देखते इसको समझ जाते हैं, बट आपके टेस्ट भी करवाए जाते हैं। तो कई बार जो है और भी कई तरह के जो है ब्रेन तक ऐसा आप हमारे ब्रेन टेस्ट ब्रेन का भी टेस्ट कर लीजिए, सीटी एमआरआई, इस तरह के लोग भी आके कहने लगते हैं सर ये भी करें। और दोस्तों इन हिस्टीरिया के अंदर कभी भी कोई पैथोलॉजी नहीं होती, मतलब चाहे ब्लड टेस्ट कराओ आप कोई भी टेस्ट कराओ सारी रिपोर्ट्स या फाइंडिंग्स नॉर्मल होती है, क्योंकि बॉडी में कोई पैथोलॉजी नहीं है, शरीर में अंदरूनी कोई बीमारी है ही नहीं तो कहां से आएगी, है कि नहीं, क्योंकि ये जस्ट मेंटल डिसऑर्डर था और उसको बॉडी ने रिफ्लेक्ट किया है जो हमें देखने को मिला। तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, आपको डॉक्टर कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं, हिस्टीरिया है कुछ, आपको हो सकता है कि दवाइयां दे और आप ठीक हो जाते हो। लेकिन जब बार बार अटैक आते हैं, काफी लोग आते हैं जिनको बार बार अटैक्स आते हैं और काफी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे के अंदर हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। हमारी क्लिनिक पे भी जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको भी हम लोग मेडिसिन देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। कमेंट सेक्शन में भी बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस वीडियो पे हम लोग एक वीडियो ही बना लेते हैं। दोस्तों इसकी मेडिसिंस की बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, मतलब जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप पेशेंट हैं तो मैं एडवाइस करूंगा कि पेशेंट को डॉक्टर के साथ अकेले में बैठना चाहिए और उसको अपनी प्रॉब्लम्स या फीलिंग्स या और भी कोई तरह की पर्सनल लाइफ या कोई थॉट्स दिल दिमाग में कुछ भी है वो सारी चीज आप डॉक्टर के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जितना डिटेल में आप डिस्कस करेंगे आपके डॉक्टर के लिए आपके लिए उतनी ही अच्छी मेडिसिन देने में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स पे होती है और हिस्टीरिया के हर आदमी के लिए अलग अलग सिम्टम्स है, यानी हर आदमी के लिए मेडिसिन भी अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जितना इनडेप्थ डिस्कस करेंगे अपने डॉक्टर से आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेडिसिन इसकी होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है, आपके नॉलेज के लिए अगर मैं रूटीन की वो मेडिसिन जो बेस्ट रिजल्ट्स देती है अगर शेयर करूं तो इसके लिए पोथोस मदर टिंचर बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसकी 10-10 बूंद सुबह शाम एक कप गुनगुने पानी में लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें ऐसा फटीडा बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको 30 पावर में आपको सुबह शाम लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्नेशिया 30, वो भी इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन, उसको भी 30 पावर में सुबह शाम लेना चाहिए। ये तीन मेडिसिन है जो मैंने बताया, ये तो इसकी बेस्ट मेडिसिन आप कह सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स में केसेस में मतलब है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि हिस्टीरिया के अंदर इतना मतलब इंटेंस उसको आएगा, कन्वल्जन आएगा, फिट्स आएगा और एक तरह से ऐसे लगेगा मिर्गी का दौरा ही पड़ गया, बॉडी इतनी स्टिफ हो जाएगी, गर्दन पूरी घूम जाएगी, आंखें घूम जाएगी। अगर इस हद तक की उसकी बॉडी के अंदर हिस्टीरिया का अटैक है तो उस टाइम एक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो सिकोटा विरोसा, और उसको आप 30 पावर में सुबह शाम दे सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में दिन में 3-4 बार भी दिया जा सकता है। ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपको बताई जो हिस्टीरिया के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं इन मेडिसिन के साथ। दोस्तों अब हम बात करें अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो कैसे पूछें। देखिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आज जैसे वीडियो अपलोड हो रहा है आप पूछेंगे तो कल जो मेरा आपके सवाल का एपिसोड आएगा 15 जून 2020 को उसके अंदर मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को आप बाद में कभी देख रहे हैं तो उस टाइम के जो मेरे लेटेस्ट वीडियो उसके कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर जरूर मिलेगा। और उसी के साथ के अंदर अगर आप मेरी नियर बाई से बिलोंग करते हैं क्लिनिक पे आना चाहते हैं तो आप जानते हैं क्लिनिक जोधपुर राजस्थान के अंदर है और शास्त्री नगर में एमडीएम हॉस्पिटल के पास में। जिन लोगों को टेलीफोनिक डिस्कशन करना है उन लोगों के लिए टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, वो है 9664269797, ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप वहां भी देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज हमने हिस्टीरिया के बारे में बात की क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, बहुत से क्लिनिक पे ही पेशेंट आते हैं, मुझे लगा इस टॉपिक पे हम लोग एक बार प्रॉपरली क्यों ना बात ही कर लें जिससे बहुत से लोगों को फायदा हो जाएगा, आपको बार बार पूछना भी नहीं पड़ेगा, आप वीडियो देखेंगे तो एक बेसिक नॉलेज आपको यहीं से मिल जाएगा। और मैं आपको लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि हिस्टीरिया के अंदर होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, अगर किसी को हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है तो उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। बस कोशिश करें कि डॉक्टर से प्रॉपरली डिस्कस करें डिटेल और फिर आप ट्रीटमेंट लें जिससे आपको भी बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथी सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।